गाइस, आज हम इस पीपे को डेकोरेट करने वाले हैं। मींस इसका हम स्टूल बनाएंगे। वो बनाएंगे हम ओल्ड क्लोथ से। हमने ओल्ड क्लोथ लिया है, उसको हम स्टूल बनाने वाले हैं। तो आइए मेरी वीडियो में देखिए हमने कैसे इस पीपे को बहुत सुंदर सा डेकोरेट किया है। तो हमने ये पीपा लिया है और उसको मार्किंग की है। 9 के 4 कॉर्नर होते हैं, वैसे ही 4 कॉर्नर पे टिक लगाया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट किया है हमने, जिससे कि उसको हम फोल्ड कर सके अंदर की साइड। बस अब इसे तो यहाँ से इसको फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे और इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे। उसके 4 कॉर्नर हमें नहीं बनाना है, बस हमने साइज नापा था। अब हमने बस स्टिच कर लिया है और इसे सीधा करके हम पीपे के ऊपर कवर अप करेंगे, मतलब उसको उसको में जैसे कि हम फ्लो कवर पहनाते हैं, ऐसे ही पीपे को फ्लो की तरह पहना देंगे। ऊपर की साइड हम प्लास्टिक डाल सकते हैं, नीचे की साइड मैंने कपड़े वाला फेविकॉल होता है वो, उससे पेस्ट किया है। आप लोग चाहें तो स्टिच भी कर सकते हैं। ये आसानी से हमारा पेस्ट हो जाता है। हमने पेस्ट किया है। और हम इसे स्टिच भी कर लेंगे जिससे कि ये अच्छा सा हो जाए। अब इतना रह गया है हमारा, इसके ऊपर हल्का सा हमने एक और कट किया है कपड़ा और उसको पेस्ट कर दिया। बस हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे सीधा करेंगे और इसके लिए इसमें मैंने इलास्टिक लगाई है। आप चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं, एज योर चॉइस। हमारा रेडी हो गया।